नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार जहां भू माफियाओं के विरुद्ध एंटी भू माफिया का अभियान चलाए हुए है, अभियान के तहत सरकार सरकारी जमीन को खाली कराते हुए पीड़ितों की जमीन को भी दबंगों की चुगल से मुक्त कराने का जहां काम कर रही है, तो वहीं सिविल जज न्यायालय की स्टे होने के बावजूद भी दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आरोप तो यहां तक है कि राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन रईस दबंगों से मिलकर पीड़ितों की जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। यहां आपको बताना जरूरी है कि जमीन को मुक्त कराने के लिए पीड़ित ने कई बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को लिखित में शिकायत तक दी, बावजूद इसके शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा कराने से नहीं चुके। इसके चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें लाठी डंडे चले, महिला और पुरुष सहित कई लोग जख्मी भी हो गए। जब इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी तो वो मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद पुलिस कर्मी में आनन फानन में जबरिया रास्ता बनाने वाली डाली गई मिट्टी उठवा दिया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के ग्राम नगरा बाग का बताया जा रहा है। इस गांव के रहने वाले मोहर सिंह यादव के 3 बीघा खेत में गांव के दबंगों ने नक्शे में रास्ता ना होने के बाद भी रास्ता बनाने का काम किया, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक मैनपुरी उप जिलाधिकारी करहल को तो दी, तो पुलिस ने बन रहे रास्ते को रोक दिया। इसके बावजूद भी आज सुबह के समय दबंग अपने ट्रैक्टर से रास्ता डालने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। वहीं उप अधिकारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है, तत्काल ही मामले को समाप्त किया जाएगा। अजी जी, आज जो विवाद हुआ है, क्या किसके लिए हुआ, क्या पूरा मामला है? ये सब थी, सवेरे हम गए थे वहाँ पर मिट्टी दरी थी, कल हमारे पिताजी पुलिस बल ने उस मिट्टी को खसवा दिया था, गलत पड़ी थी मिट्टी। ठीक, आज वो वीडियो बना, हमारी बहन गई वीडियो बनाने, इनका ही ट्रैक्टर है, ये लोग दबंग हैं, हमें इनके सामने गए नहीं, हमारी बहन को वहाँ पर डाल दिया, वीडियो बना ही बनाने दिया, वहीं डाल दिया इन लोगों ने। तब मैं दीते आतन गए तो मेरी बहन को वहाँ डाल दिया, तब जे लोग 5-7 लोग हैं, हम दो पिताजी और हम हैं, दो इन्होंने मेरी बहन को डाली, लाठी बहुत दी और हमारी बहन की मोबाइल वोबाइल ले लो, और वीडियो 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 कुछ नहीं बना पाई। हम जब आ तो जे फावड़ा लाए थे तो ये ट्रैक्टर है साहब। क्या आपके खेत में अवैध निर्माण कर रहे थे क्या? अवैध सर, हमारे पास स्टे माननीय अदालत की है, मैंने कहा वहाँ कोई नहीं है, हमारा वो नंबर है, वहाँ किसी भी प्रकार की रास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये मिट्टी को रुकवाया था क्या पुलिस ने? पुलिस ने मिट्टी को कल रुकवाया था, फिर जो अपनी जबर ये डालने लगे, पुलिस ने ये कहा कल मिट्टी नहीं तुम करोगे, ये वहाँ की जादंग वालंग हटवा दी मिट्टी पुलिस ने। अब ये सवेरे ने कहा खुद ट्रैक्टर सुबह होते ही जैसे ही जगह तैसे ही ट्रैक्टर पकड़ा अपना और लग गए मिट्टी इकट्ठी कर, सड़क बनाए भी अपना खेचा कर उन्होंने और सड़क बना लिया। तो फिर क्या ओमपाल के दबंग व्यक्ति हैं? दबंग व्यक्ति हैं प्रेमपाल सिंह, दबंग जिनके फिरोजाबाद में मर्डर अपहरण जैसे मुकदमा है उनके पास, उनके साथ पूरे गांव कोई कहने वाला नहीं उनके मुंह पे। डरते हैं क्या साहब? डरते हैं सर, उनके कई मुकदमे उनके पास हैं। और सब मेन बात है लेखपाल साहब ये गलत नाप, कोई नाप नहीं हुई और ऐसे ही जंजीर डाल देते हमने। लेखपाल गलत नाप गए? गलत नाप तोल हो रही है, कोई साफ सही नहीं हो रही है। उनका मकान साफ बना है उनके खेत में, अब वो कह रहेगा हमारे में 15 फुट की रास्ता जबरिया डाल दी हमारे में कल सर। आपका मोहर सिंह किस गांव के रहने वाले हो? कौन सी तहसील है आपकी? करहल तहसील। अच्छा, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए हो, पूरा मामला क्या है? जिलाधिकारी को 2 बार एप्लीकेशन गई है, कोई सुनवाई नहीं गई। क्यों? SDM मिले चल रहे दबंग लोगों के वजह से है। जो हम तहसील में अपनी शिकायत करने जा रहे तो वे हमें बैठा लेते है, 5 घंटा हमें अंदर बंद कर रखा। कहाँ पर? करेल तहसील में। हाँ, तहसील में जो हमने अपनी शिकायत करी। अच्छा, शिकायत करने के तो तुम्हें 5 घंटा बैठा लिया, किसने बैठा लिया? दरखास्त का हमारे साथ में ये हरकत लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो किसने बैठा लिया था तुम्हें? SDM साहब ने। हाँ, फिर कहीं होता लोगों ने हमारी शिकायत करी तो 6 घंटा बाद हमें छोड़े। अच्छा,
सिफारिश करने पर? सिफारिश करने से। अच्छा, तो दबंग कौन है और वो क्या करते हैं, एसडीएम के पास बैठते हैं क्या? राम नरेश का लड़का है, प्रेम पाल, ओम पाल है, और गोलू गोलू कातवाते है, ओम काल नाम। अच्छा, इतने लोग तो ये क्या एसडीएम के पास बैठते हैं? एसडीएम के साथ बैठते हैं और हम जा रहे हैं तो पुलिस को सूचना कर दे तो हमें पुलिस पकड़ ले। अच्छा, हमारे भाई चचेरे भाई एक दिन आए थे है? तो बिल ने कुछ नहीं कहा और उन्हें 8 सिपाही ने घेर के और बंदीमान कर लो। अच्छा, और एसडीएम साहब गठित करके कानी को लेख बालक को भेज देते हैं, हमारी खेत की स्थिति है। जब ये लोग नहीं माने, ज्यादा परेशान करे, रोजनदारी नाप कराते, तब मैंने उस खेत की स्थिति करा दी। फिर स्टे करा के दोबारा फिर भेज दी स्टे कॉपी कानी को लेख बालक दे, वापस चले आए कल ले। देखो फिर गठित करके एसडीएम साहब ने भेज दिया। अच्छा, तो क्या वो जबरदस्ती रास्ता बना रहे हैं आपके यहाँ? रास्ता बना रहे हैं, हमारे खेत शुरू जाते भाव तहीं तहते और लास्ट तक नाली है, खेत सिंचाई के लिए नाली है और खेत के लिए और आगे पीछे कतई नहीं। तो रास्ता बना रहे हैं? रास्ता बनाते जब 2 फुट ऊंची उठा ली, हमारा खेत किससे भर जाएगा। एक जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसका क्या नाम है? ओम पाल, प्रेम पाल। तो क्या ये हत्या फत्या कर देता है? हाँ, हत्या कर देता है, बंदूक दिखाता आपको? हाँ, बंदूक राय पर। अच्छा, और जाके दरके मारे कोई गांव को कछु नहीं काट। दबंग है? दबंग है। ओपनिंग है नहीं, मिट्टी आप मतलब प्लान कर रहे थे? हाँ। तो रास्ता डाल रहे थे ना? नहीं, रास्ता। अच्छा, वो खेत किसका है? हमारा। तुम्हारा खेत? हाँ। है, और पीड़ित बता रहा है कि उनका खेत है? नहीं है, वो तो सब कुछ हम पे आदेश है। भाई, ग्रामीणों का कहना ये है कि आप बहुत दबंग आदमी है उस गांव के। सर, ये तो सब कहेंगे आदमी। आरोप ये भी लग रहा है कि आप जो है ना अपहरण के मामले में, चोरी के मामले में जेल भी गए है। एंटी को आदमी आतंकवादी बताता ही है जी। आप हमारा रिकॉर्ड फॉलो। ठीक है। हाँ। एक नंगला बात पड़ता है जहाँ जमीनी विवाद को लेकर जो है ना दो पक्ष आपस में लड़ गए एक सड़क डालने को लेकर। सर, पूरा मामला सद आपके संज्ञान में होगा, क्या है पूरा मामला? वो कोई दो पक्षों में विवाद है, ये पता लगा है ना, और वहाँ पुलिस है, शांति व्यवस्था है, इस तरह का कोई विवाद वहाँ है नहीं, और जो भी विवाद है शॉर्ट आउट कर दिया जाए। सड़क का कोई मसला इस तरह का मेरे संज्ञान नहीं आया। अगर कोई मिट्टी डाली है तो उन्होंने अपने आप की डाली होगी और इसको देख करके शॉर्ट आउट कर दिया जी। कोई विवाद नहीं, विवाद खत्म कर दिया। क्या विवाद में क्या सर, जो जमीनी बता रहे हैं कि लेखपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि लेखपाल गलत नाप जाते हैं, हालांकि उनका कहना है जी, जमीन घेरे हुए हैं वो हमेशा इसी तरह की बात जी। नहीं, एक मोहरपाल हैं और एक तरफ जो है ना पीपी हैं, तो पीपी का कहना ये है कि यहाँ पर जो है ना रास्ता वो नाला था और अब यहाँ पर जो है ना सड़क हम डालना चाह रहे हैं। नाला है, नाले में सड़क नहीं डाली जाएगी, नाले में सड़क नहीं डाली जाएगी, नाला नाला रहेगा जी, और कोई विवाद है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.